दो बच्चों के बाप ने पड़ोस की ही लड़की के साथ भाग कर रचाई शादी। ये शादीशुदा आदमी, दो बच्चों का बाप, कुंवारी लड़की के साथ कैसे कर लेते हैं यार लोग ऐसा। अरे कोई नहीं है, शादीशुदा के लिए तो और आसान होता है। अपनी पत्नी के जुल्म की कहानियां, जुल्म के किस्से लड़कियों को बताओ, पासा फेंको, होती इमोशनल फूल है लड़कियां तो जल्दी विश्वास कर लेती हैं। अच्छा बहुत पता है तुम्हें। चाय थोड़ी ठंडी हो गई, गरम कर लेता हूँ इसे। भगवान क्या हुआ, इतने चुप चुप क्यों आज? क्या बोलूं मैं, कुछ भी बोलता हूँ उसका उल्टा मतलब निकालती हो। तो तुम ढंग की बात करोगे तो मैं क्यों कुछ उल्टा बोलूंगी तुम्हें? अरे अभी बोल रही हो तुम ये सब, मेरे पीछे पड़ी रहती हो पूरे दिन, चिक चिक पिक पिक। आज तुम यार ये बात क्लियर ही करो, तुम मेरे पीछे पड़ी क्यों रहती हो वैसे? आज ये बात तुम्हें रीजन बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा रात में। तुम मत खाना, पर हमारे टाइम से बना देना। यही बात साबित करनी है मुझे, मतलब एक झटके में कह दिया मत खाओ। अबे तुम्हें मेरी कोई फिक्र भी है नहीं, यही तुम्हारी जो जली हुई बातें है ना, ये जो तुम करती हो ये मेरे दिल को चीर के रख देती है। ओ मेरे दिल जले आशिक, तुम पत्नियों की बातों को इतना सीरियस क्यों लेते हो? चलो आज मैं तुम्हें ना एक सीक्रेट बताती हूँ कि मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, मतलब हम पत्नियों का बिहेवियर ऐसा क्यों रहता है। तुम पति लोग ना कुछ तो कर्म कांड करते हो अपनी लाइफ में, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं तुम्हारी जो तुम चाहते हो कि पत्नियों को ना पता चल जाए, तो बस हम उन्हीं गलतियों को सोच के तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। ओ अंतर्यामी, तुम्हारी कल्पनाएं है ना, ये इन्हें बंद कर दो यार करना। ये जो पति प्रजाति है ना यार हम लोगों की, भाई पीड़िते तुमने हम लोगों की जिंदगी झंड कर दी यार ये सोच सोच के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ना हो, चलता तो है। तुम अपना काम करते हो और हम अपना काम करते हैं, तुम पे शक करने का मतलब बंदा कुछ काम करे ना करे, कुछ सोचे ना सोचे, तुम लोग अपनी कल्पनाओं में जी रहे हो कि ये कर दिया होगा उसने, वो कर दिया होगा। अबे कुछ नहीं करते हम यार, पति लोगों को चाहिए क्या होता है? अबे दो टाइम की रोटी चाहिए हमें, सुबह खा के जाते हैं शाम को आके घर पे खाते हैं। ये जो बीच की सारी पंचायत हो तुम लोगों की है। भगवान, और थोड़ा बहुत मन बहलाना हो तो हफ्ते में 5-4 बार मिसेज अरोड़ा दिख जाए बस, और क्या चाहिए हमें। क्या बोला तुमने अभी, हमारी पड़ोस मिसेज अरोड़ा? अरे मैं क्या मिसेज अरोड़ा, हमारी पड़ोस मिसेज अरोड़ा ये बोला मैंने? अरे यही तो गलत बात है ना भाई, यही तो तुम्हारी कल्पनाशीलता है ना गलत। मैंने बोला अगर मन बहलाना हो रोटी के अलावा तो हफ्ते में 2-4 बार ब्रेड पकोड़ा मिल जाए हमें, और क्या चाहिए हमें। नहीं तुमने अभी अरोड़ा बोला था। अरे नहीं बोला यार, ब्रेड पकोड़ा बोला, ब्रेड पकोड़ा मिल जाए चाय के साथ। इतना शक करना बंद कर दो यार प्लीज। अच्छा तुम्हारा ब्रेड पकोड़ा खाने का मन कर रहा है? हाँ मन है बहुत। चलो फिर मैं बना के लाती हूँ अभी। हाँ ले आओ। सुनो वो पनीर डाल देना बीच में, लेयर होती है ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ।